English session. So, in the previous session, we have started a new chapter, that is chapter number 8, The Golden Touch. So, in that chapter, we have already studied the hard words with their word meanings, and we have also completed the one page of this story. So, today, we will continue the story. So, in this story, we have studied till yet that हमने अभी तक पढ़ा स्टोरी में कि एक किंग रहता है, किंग का नाम रहता है मिदास. सो द किंग मिदास इज वेरी फॉन्ड ऑफ गोल्ड. किंग मिदास जो है एक राज्य का राजा रहता है जिसे गोल्ड की बहुत ज़्यादा चाहत रहती है, मीन्स उसे गोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद रहता है. सो वन एंड ही ऑल्सो लव हिज पैलेस, पीपल्स ऑफ दिस पैलेस, है ना. एंड ही ऑल्सो लव हिज डॉटर. सो बट ही ऑल्सो लव्स गोल्ड टू. उसे अपने देश के लोगों से, अपने राज्य के लोगों से, अपनी बेटी से, और तो प्यार था ही, बट वो सोने से, गोल्ड से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था. वन डे इन हिज ड्रीम ही सॉ, उसने अपने ड्रीम में देखा दैट वट एवर ही टचेस दैट टर्न्स टू गोल्ड. उसने सपने में देखा कि वो जो भी टच करता था वो जो है गोल्ड में चेंज हो जाता था. सो वी हैव स्टडीड टिल दैट हियर ओनली. Now we will continue the story. So here, on this day, he, as he had his dream, yet again he saw a strange figure. It was a head that looked like flames were all around it. Then the figure spoke to him. एक दिन उसने अपने उसी सपने को फिर से देखा. And he saw a strange figure. उसमें उसे सपने में एक नया कोई strange आदमी, अजीब आदमी मिलता है. It was a head that looked like flames. उसका सर जो रहता है वो flames की तरह, means आग की लपट की तरह दिखता है. Then the figure spoke to him. उसके बाद वो अजीब आदमी जो भी रहता है वो उससे कहता है, King Midas, you have been a good king, a good man and a good father, said the figure. वो figure जो रहता है, strange figure, वो उससे कहता है कि King Midas, तुम एक अच्छे राजा, एक अच्छे आदमी और एक अच्छे फादर हो. योर ओनली फ्लॉ हैज बीन योर क्रेविंग फॉर समथिंग अनइम्पॉर्टेंट, योर ड्रीम ऑफ अ पावर यू डोंट रियली वॉन्ट. सो ही सेज, वो कहता है कि तुम्हारी केवल एक ही कमी है कि तुम किसी ऐसी चीज के लिए क्रेव कर रहे हो, मीन्स किसी ऐसी चीज को पाना चाह रहे हो जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है. Your dream of a power you don't really want. ये तुम्हारा ऐसा चीज़ है, ड्रीम है, सपना है पावर का, जो रियली में अच्छा नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है. Oh, I do want this power. I want it more than I want anything in the whole world, cried Midas. So, राजा कहते हैं, क्रेइंग मिदास कहते हैं, नहीं मुझे ये पावर चाहिए. I want it, मुझे ये चाहिए, मुझे और वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये पावर चाहिए. मुझे पूरी वर्ल्ड में चाहे जो भी चीज़ दे दी जाए, मुझे वो उससे मतलब नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा ये पावर चाहिए. All right, but I warn you, gold, wealth and possessions are truly meaningless. So, वो strange figure उससे कहता है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, gold, wealth means पॉजिशन, किसी चीज़ पे अधिकार जमाना, ये सब चीज़ें ट्रूली मीनिंगलेस हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं. नो नो, क्राइड मिदास, प्लीज आई बेग यू गिव मी द गोल्डन टच एंड आई विल नेवर आस्क अनदर थिंग एंड नेवर मेक अनदर विश एंड नेवर ड्रीम अनदर ड्रीम, आई प्रॉमिस. सो किंग मिदास कहते हैं, नहीं नहीं मैं आपसे विनती करता हूँ, आई बेग यू, आप मुझे गोल्डन टच दे दीजिए. मीन्स गोल्डन टच क्या, कि वो जिस भी चीज़ को छुए दैट टर्न्स टू गोल्ड. मुझे ये, मेरी ये विनती सुन लीजिए, मैं और किसी भी चीज़ को नहीं मांगूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बट मुझे मेरी ये विश पूरी कर दी जाए, प्लीज़, आई प्रॉमिस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ. ग्रांटेड देन, सेड द फिगर, वो स्ट्रेंज फिगर जो है उसे उसकी विश को पूरी कर देता है. ही कुड हार्डली वेट टू पुट हिज फिंगर ऑन समथिंग and see if he really did have the golden touch. He got up from his throne and walked out to the garden. He reached out and touched his beautiful fountain. Lo and behold, the fountain water and all turned instantly to lovely shining gold. He touched a plate or spear and just for fun
ही टच्ड हिज डॉटर्स ओल्ड फेवरेट टेडी बियर. सो वो अब उससे इंतजार नहीं हुआ जा रहा था, वो चाह रहा था कि मैं कितने से जल्दी उठकर चीजों को टच करूं और देखूं कि ये सच में काम करती है कि नहीं, मेरी विश पूरी हो गई कि नहीं. सो वो अपने थ्रोन से, अपनी राजगद्दी से उठता है और वो अपने गार्डन की ओर जाता है. वो बाहर जाता है और अपने ब्यूटीफुल से फाउंटेन को टच करता है. पूरा वाटर और फाउंटेन सब कुछ एक ब्यूटीफुल से गोल्ड में चेंज हो जाता है, शाइनिंग से गोल्ड में चेंज हो जाता है. देन आफ्टर दैट ही टचेस द प्लेट. वो प्लेट्स को टच करता है, स्पीयर मींस भाले को टच करता है केवल मजाक में. एंड ही आल्सो टच्ड हिज डॉटर्स फेवरेट टेडी बियर. वो अपनी बेटी का फेवरेट टेडी बियर जो उसे बचपन से ही पसंद था वो उसे भी टच करता है. एंड ऑल दीज थिंग्स टर्न्स टू गोल्ड. और ये सब चीजें जो हैं गोल्ड में चेंज हो जाती हैं. एवरी सिंगल थिंग ही टच्ड वाज टर्न्ड बाय मैजिक इनटू प्योर गोल्ड. मदास हैड द गोल्डन टच. और फिर वो जिस भी चीज को टच करता है वो जो है मैजिकली गोल्ड में चेंज हो जाती है. मदास हैड द गोल्डन टच. नाउ किंग मदास के पास गोल्डन टच होता है. वट एवर ही टचेस दैट विल टर्न टू गोल्ड. गोल्ड 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 एवरीवेयर. माय लाइफ इज कंप्लीट एंड आई हैव वेल्थ बियॉन्ड माय वाइल्डेस्ट ड्रीम. ही वाज सो एक्साइटेड that the warning of the granter of wishes was forgotten. And the king was that much excited. King इतना ज़्यादा excited था कि वो जो है strange figure के थ्रू दी हुई warning को भी भूल गया था. He raced out into the garden to tell his beloved daughter that his life's fondest wish had been granted. और फिर वो तुरंत दौड़कर garden में जाता है ताकि वो अपनी beloved means जो उसकी बेटी थी जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था उसे ये बता सके कि उसकी लाइफ का जो इम्पोर्टेंट फॉन्डेस्ट ड्रीम था मीन्स जिसे वो बहुत टाइम से चाहता था वो पूरी हो गई है. ही सॉ हर अक्रॉस द गार्डन एंड रैन टू हर साइड एंड देन ही रीच्ड आउट टू पुट हिज आर्म्स अराउंड हर टू शेयर हिज फैंटास्टिक न्यूज. और वो जब उसे गार्डन में देखता है तो वो उसकी तरफ दौड़ता है और उसके पास जाकर उसे गले लगाना चाहता है ताकि वो उसे इतनी अच्छी न्यूज सुना सके. As he touched her shoulder, he froze at the feel of her skin. It was as hard and cold as gold. And जैसे ही वो उसके शोल्डर को टच करता है वो जो है जम जाता है. उसको लगता है कि वो फील करता है कि उसका शोल्डर उसकी बेटी का वो जम गया, फ्रोज हो गया, उसकी स्किन को फील नहीं कर पा रहा है और उसे लग रहा है कि वो हार्ड और कोल्ड हो गया है जैसे कि गोल्ड हो जाता है. ही जंप्ड बैक इन अमेजमेंट जस्ट एज ही डिड. वन ऑफ द ब्यूटीफुल बर्ड हु लिव्ड इन द गार्डन एंड ऑलवेज केम टू द प्रिंसेस लैंडेड ऑन द वेरी स्पॉट ऑन हर शोल्डर वेयर हर फादर हैड टच्ड हर. द बर्ड क्राइड आउट इन फ्राइट एंड फ्लू फार अप इनटू द स्काई. और वो राजा जो है वो विस्मय स्थिति में मींस बहुत ही अमेजमेंट में वो वहां से पीछे हट जाता है. एज जस्ट एज ही डिड जैसे ही वो करता है उसे टच करता है वो चेंज होती है गोल्ड में उसके शोल्डर्स वहां पे. तभी वो ब्यूटीफुल बर्ड आ जाती है जो कि हमेशा गार्डन में आया करती थी जब वो प्रिंसेस गाना गाती थी. और वो उसी शोल्डर पर जाके बैठती है जिसे किंग मिदास ने टच किया होता है और वो गोल्ड में चेंज हो गया होता है. और जैसे ही वो बर्ड उस पर जाकर बैठती है शी क्राइड. और फिर वो बहुत ही दूर उड़ जाती है बिकॉज शी कांट फील हर स्किन. जस्ट एज दैट हैपेंड द किंग रिमेंबर्ड द वार्निंग ही हैड रिसीव्ड. गोल्ड वेल्थ एंड पोजेशंस आर ट्रूली मीनिंगलेस. सो जैसे ही ये होता है राजा को किंग मिदास को ये याद आ जाता है उस स्ट्रेंज फिगर की वार्निंग की उसने कहा था कि गोल्ड वेल्थ और पोजीशन किसी भी चीज़ का लालच चाहे वो गोल्ड का हो चाहे वो अमीर होने का हो चाहे किसी चीज़ के अधिकार का हो वो ट्रूली मीनिंगलेस होता है. उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, बाद में पछताना पड़ता है. गोल्ड वॉज मीनिंगलेस. ये रियलाइज द ट्रुथ. और उसे पता चलता है कि सच में गोल्ड जो है मीनिंगलेस है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है. उसे सच्चाई का पता चल जाता है. बट नाउ इट वॉज टू लेट टू डू एनीथिंग. लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ भी नहीं किया जा सकता. एज ही टर्न्ड अवे इन टेरिबल पेन ही फेल्ट अ टच ऑन हिज रिस्ट एंड एज ही टर्न्ड इन हिज थ्रोन
ही फेल्ट हिज क्राउन स्लिप फ्रॉम हिज हेड. और जैसे ही उसे इस डरावने पेन का एहसास होता है, ही फेल्ट अ टच ऑन हिज रिस्ट. उसे उसकी कलाई पे टच का महसूस होती है कि उसे कोई कलाई पे उसके टच किया है जिसने. एंड एज ही टर्न इन हिज थ्रोन, और जैसे ही वो अपनी गद्दी राजगद्दी की तरफ मुड़ता है, ही फेल्ट हिज क्राउन स्लिप फ्रॉम हिज हेड. और उसे ये एहसास हो जाता है कि उसके सर से उसका क्राउन जो है, मुकुट जो है, वो स्लिप हो गया है, वो फिसल गया है. ओ फादर, यू मस्ट हैव फॉलन अस्लीप अगेन, सेड अ जेंटल वॉइस. और वो एक आवाज आती है, उसे सुनाई पड़ता है, ओ फादर तुम्हें फिर से एक नींद सो लेनी चाहिए. इट वॉज हिज बिलव्ड डॉटर, हिज टच ऑफ गोल्ड हैड बीन ओनली अ ड्रीम. और ये उसकी बेटी की ही आवाज रहती है, जो हिज टच ऑफ गोल्ड, और वो जो उसने छुआ रहता है अपनी बेटी को, टच किया रहता है, और वो उसका शोल्डर जो है गोल्ड में चेंज हो गया रहता है, दैट वॉज जस्ट अ ड्रीम, वो एक केवल सपना रहता है. ही जम्प्ड अप फ्रॉम हिज थ्रोन एंड हग्ड हिज डॉटर. और वो तुरंत अपनी गद्दी से उतरता है और अपनी बेटी को गले लगा लेता है. यस, किंग मिदास हैड लर्नड अ लेसन. और हाँ, अब किंग मिदास ने एक सीख ली थी, उसे एक सीख मिल गई थी कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए. That very day the king gathered most of his great wealth and started to give it back to his subjects and to the poor of the kingdom. He became the wisest and the most generous king in the entire world. So, और उसी दिन किंग जो है, राजा किंग मिदास ने अपनी पूरी संपत्ति को, वेल्थ को इकट्ठा किया और अपने राज्य के लोगों में बांट दिया, और गरीब जितने भी थे उसके राज्य में उन लोगों को बांट दिया. और अब वो राज्य का उस, मतलब जो है, वो एक बहुत ही वाइज किंग, बहुत ही अच्छा राजा बन गया था, काइंड राजा बन गया था, और बहुत ही उदार राजा बन गया था, जेनरस किंग बन गया था पूरे एंटायर वर्ल्ड में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर दिस चैप्टर इज ओवर. सो टुडे व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने क्या पढ़ा स्टोरी में, कि किंग मिदास रहता है, उसका ये स्टार्टिंग से ड्रीम रहता है कि वो जिस भी चीज को टच करे दैट टर्न्स टू गोल्ड, वो जिस भी चीज को टच करेगा वो गोल्ड में चेंज हो जाए. वन डे एक स्ट्रेंज फिगर उसके सपने में आता है और वो उसे वार्निंग देते हुए, चेतावनी देते हुए उसकी विश को, गोल्डन टच को पूरा कर देता है कि वो जिस भी चीज को टच करेगा वो गोल्ड में चेंज हो जाएगी. स्टार्टिंग में उसे चीजें बहुत अच्छी लगती हैं कि वो जिस भी चीज को टच करता है वो गोल्ड में चेंज हो जाती है. वो बहुत खुश रहता है कि उसकी शुरू की जो स्टार्टिंग से जो ड्रीम थी वो पूरी हो गई है. बट व्हेन ही टचेस हिज डॉटर, जब वो अपनी डॉटर को टच करता है, हर शोल्डर टर्न्स टू गोल्ड, उसके शोल्डर को जैसे ही टच करता है वो भी गोल्ड में चेंज हो जाती है. अब उसे ये बुरा लगने लगता है और फिर वो जैसे ही उसकी कलाई पे और फिर वो जैसे ही उसकी कलाई पे कोई हाथ रखता है, ही फील्स कि उसे कोई टच किया. और जैसे ही वो देखता है कि वो उसकी बेटी रहती है, एंड वॉट एवर ही हैड डन, वो जो भी चीज़ें किया रहता है वो केवल एक सपना रहता है. उसके बाद राजा को, किंग मिदास को लास्ट में ये सीख मिल जाती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए. और लास्ट में एट द एंड वो अपनी जितनी भी वेल्थ रहती है उसे लोगों में, गरीब लोगों में अपने राज्य के बांट देता है, और वो लास्ट में एक बहुत ही वाइज और जेनरस किंग बन जाता है पूरे वर्ल्ड. सो स्टूडेंट्स, हमें इस स्टोरी से मॉरल क्या मिला, कि हमें कभी भी किसी चीज़ की लालच नहीं करनी चाहिए. नाउ योर दिस चैप्टर